बिहार सरकार ने एक फरमान जारी किया जिसमें खुले में शौच की निगरानी करेंगे गुरु जी, दोस्तियों के साथ सेल्फी भी लेंगे, कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए, बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए जो फरमान है बिल्कुल ही तुगलकी फरमान है। ये तालिबानी फैसला है बिहार सरकार के द्वारा कि आपको सुबह में 6 से 7 खेतों में ड्यूटी लगा दिया जाता है, आप जाइए वहाँ पे शौच करती हुई महिलाओं का, पुरुषों का फोटोग्राफी कीजिए और उनको समझाने का कार्य करते हैं कि उनको जाकर के समझाने का कार्य शिक्षकों के द्वारा किया जाएगा, लेकिन वो फोटोग्राफी करने के नाम पे एक अराजक माहौल पैदा करने का इरादा सरकार को इसमें स्पष्ट आ रहा है। नियोजित शिक्षक ऐसे तुगलकी फरमान का विरोध करते हैं और सरकार से मांग करती है नियोजित शिक्षक कि आप इस फैसले को जल्द से जल्द वापस ले, नहीं तो फिर हम सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। शिक्षकों का कार्य है विद्यालयों में बच्चों का पठन पाठन करवाना, लेकिन सरकार ने इस कार्य से इतर, इस कार्य के अलावा 35 ऐसे कार्य दिए हैं जिसको शैक्षणिक व्यवस्था से अलग माना जाता है। शैक्षणिक कार्य नहीं, गैर शैक्षणिक कार्य है और सरकार गैर शैक्षणिक कार्यों में उलझा करके शिक्षकों की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य करेंगे और सरकार यही समाज में बात को दोहराती है कि शिक्षक पठन पाठन नहीं करवा पाते हैं, तो अब गैर शैक्षणिक कार्यों में उलझा कर रखेंगे तो विद्यालयों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। स्वच्छता के लिए हम कार्य करने के लिए तैयार है, लेकिन ये शौच करते हुए जिसके घर में शौचालय है नहीं वो मजबूरी में जा रहा है अगर खुले में शौच, तो इसकी व्यवस्था सरकार को करनी है, न कि उसके लिए शिक्षक उनका फोटोग्राफी करे और सामाजिक रूप से प्रताड़ित होने का कार्य करे।